हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ऑसम एंड अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। हाँ हाँ, मुझे पता है ये 2023 चल रहा है एंड आई एम पोस्टिंग लेट वीडियो, बट मैं बीमार थी सो सॉरी फॉर लेट। 30 दिसंबर को मैं और मेरे फ्रेंड्स गए थे मिनीसो स्टोर और ये क्यूट क्यूट सेंटा देख के मेरा तो दिन बन गया। अच्छा, बातें बहुत हुई, लेट्स बिगिन द वीडियो। मिनीसो एंटर करते ही हमें दिखे ये प्यारे प्यारे सॉफ्ट टॉयज विच वे स्टार्टिंग फ्रॉम 400 रुपीज़, और जितने बड़े टॉयज उतनी ज़्यादा कीमत। वहाँ पे बॉटल कलेक्शन और स्टेशनरी कलेक्शन बहुत ही मस्त था। स्टिकी नोट्स, डायरीज और पेन्स काफ़ी रिजनेबल रेट्स में थे। फेशियल वाइप्स एंड मेकअप रिमूवर वाइप्स वेर जस्ट अराउंड 200 रुपीज़, जो कि आराम से 1-2 महीने चल जाते हैं। एंड माई मोस्ट फेवरेट कलेक्शन फेशियल शीट मास्क वेर जस्ट अराउंड 60-90 रुपीज़। मिनीसो के शीट मास्क वर्क्स मैजिकल ऑन सेंसिटिव एंड ड्राई स्किन, तो मैंने भी 5-6 उठा लिए। और बिल्कुल उसके सामने क्यूट क्यूट से हेयर बैंड थे, दे वेर अराउंड 150-200 रुपीज़। और कॉस्मेटिक के मेकअप ब्रशेज वेर बिट एक्सपेंसिव बट क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। मूविंग टू द नेक्स्ट वॉज पर्स कलेक्शन। डिज़ाइन पैटर्न बहुत ही यूनिक थे बट मेरे हिसाब से थोड़े एक्सपेंसिव थे, विच वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम 500 ऑनवर्ड्स। और अगर आपको मेरा मिनीसो हॉल देखना है तो प्लीज़ डू कमेंट। अब भूख तो बहुत लगी थी तो हम गए रेस्टोरेंट रिपब्लिक डाइन। मैं तो फर्स्ट टाइम विजिट कर रही थी। ब्यूटीफुल एरिया, पार्किंग स्पेस काफ़ी था एंड डेकोरेशन वॉज अमेजिंग। एंड वेरी इम्पॉर्टेंट कि ये ओपन स्पेस में था। ठंडी में ओपन एरिया में बैठ के गरम गरम खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। इस रेस्टोरेंट में मैंने एक यूनिक चीज़ नोट की थी कि इधर हमें QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना था। एंड आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड बाय दिस क्योंकि बहुत टाइम लगा ओपन होने में, और हो भी गया फिर भी मेन्यू लिस्ट थोड़ी इनकम्प्लीट थी। ऑर्डर करने के बाद जब तक खाना ना आए तब तक हमारी सेल्फी लेने की परंपरा चालू हो गई। स्टार्टर्स वेर यम्मीएस्ट। पहले तो हमने शेजवान फ्राइड नूडल्स ऑर्डर किए। आज तक इतने अच्छे शेजवान फ्राइड नूडल्स मैंने नहीं खाए थे। देर वॉज नो फूड कलर एंड टेस्ट वॉज यम्मीएस्ट। प्रॉपर मील हमें ठीक लगा और ये खाने के बाद फिर से हमने वेज मंचूरियन ऑर्डर की क्योंकि मील में इतना मज़ा नहीं आया एंड स्टार्टर्स काफ़ी अच्छे थे। और एक यूनिक चीज़ मैंने इधर नोटिस की कि इधर हॉट बाउल टी वाटर का था। मैंने तो ऐसा फर्स्ट टाइम देखा था। मैं और मेरे फ्रेंड्स रिव्यू दे रहे थे, ऑल ओवर मैंने 7/10 दिए। अब ये देखो, और इन दोनों को लगा कि मैं इनके फोटोज ले रही हूँ। और खाने के बाद लॉन्ग ड्राइव तो मैंडेटरी है। मेरी फ्रेंड को आइसक्रीम खाना था तो हम नेचुरल्स चले गए, पर भीड़ बहुत थी तो लोकल स्टोर से ही कुल्फी ले ली। और उसके बाद मेरी हालत खराब, बुखार और जुकाम। 31st को तो मैं सो गई। 1st को दोपहर के बाद थोड़ा अच्छा फील हुआ तो न्यू ईयर पे पार्टी तो बनती है, तो चलते चलते मैं पहुंची पिज़्ज़ा बेस एंड वेजिटेबल्स लेने। पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन किया था तो सोचा घर पे ही पिज़्ज़ा बना लूँ। मम्मी को मेरे हाथ का पिज़्ज़ा पसंद है। पिज़्ज़ा खाते खाते ये जवानी है दीवानी देखी और काफ़ी मज़े किए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय, टेक केयर।